Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the foreign branch chapter, which is very important from your exam point of view. और ये जो chapter है आपको 20 marks के लिए paper में पूछा जाएगा. तो this chapter relates with the subject of advanced financial accounting. और जो लोग MCOM IDOL से दे रहे हैं, Institute of Distance and Open Learning, उनके लिए एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इस चैप्टर में से 20 मार्क्स एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हैं. तो आप किस तरीके से ये मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ये चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है एमकॉम पार्ट वन में, इसमें जो ये चैप्टर है फॉरेन ब्रांच, ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. और ये इतना इजी चैप्टर है कि आप इसके कुछ बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखेंगे तो आपको फुल 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल सकते हैं. तो यही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेन ब्रांच के क्या बेसिक्स है, फॉरेन ब्रांच के क्या क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट ऑफ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द टॉपिक कॉल्ड एज फॉरेन ब्रांच. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड. तो फॉरेन ब्रांच में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें दो लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. यूजुअली पहला टाइप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी डिफरेंट करेंसी का साइन दिखेगा, जैसे डॉलर दिखेगा, पाउंड दिखेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी और करेंसी को हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें मल्टीप्लाई करना है, इतना आपको बेसिक याद रखना है. और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में डॉलर का साइन, पाउंड का साइन दिखेगा, तो हमें उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लाई करना है. और अगर वाइस वर्सा रहेगा, तो रुपीज़ दिखेगा और हमें डॉलर में कन्वर्ट करने बोला रहेगा, तो हमें डिवाइड करना है. बट वो जो फर्स्ट वैरायटी मैंने आपको बताया वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हमें कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है. कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस जो हम बनाएंगे उसमें सबसे पहला वैरायटी है इफ़ एनी अदर करेंसी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़. इफ़ एनी अदर करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई, एंड इफ वाइस वर्सा देन वी हैव टू डिवाइड. तो ये पहला बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना है. कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस इस पूरे चैप्टर का बेस है. अगर आपने कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ठीक तरीके से बना लिया, अगर आपने कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई भी गलती नहीं की, तो आपका पूरा फाइनल अकाउंट्स राइट आ जाएगा. बिकॉज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज ये कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में जो भी हमने अमाउंट्स ढूंढे होंगे वही अमाउंट हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं. तो ये बेसिक है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड. नेक्स्ट जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसे तीन अकाउंट्स बनाने हैं. ट्रेडिंग अकाउंट तो हम सब जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड से बनाया, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होगा. तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस वगैरह सब लिखने हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में सारे प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट लिखने हैं. और डिफरेंस इन एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आएगा. अगर आपको डिफरेंस इन एक्सचेंज डेबिट साइड मिला है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है. अगर आपको डिफरेंस इन एक्सचेंज क्रेडिट साइड मिला है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है. डिफरेंस इन एक्सचेंज हमें जो स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे उसमें मिलेगा. तो वहाँ से जो भी आपका डिफरेंस इन एक्सचेंज होगा उसका पोस्टिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हमें करना है. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी पॉइंट आप पोस्ट करने वाले हो, सारे के सारे पॉइंट्स में जो भी अमाउंट हम लिखेंगे वो हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके जो अमाउंट हमें कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में मिला होगा वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है. फिर द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच वी आर प्रिपेयरिंग इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बैलेंस शीट है काफ़ी ईजी है. बैलेंस शीट काफ़ी छोटा बनता है, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट. तो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे के सारे आप यहाँ पे पोस्ट करके बैलेंस शीट को टैली कर सकते हैं. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट देखने मत भूलना. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हमें सारे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए क्लोजिंग रेट लेना है. तो जो भी आपको क्लोजिंग रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको वैल्यू करने के लिए लेना है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़. फिर ऑल रेवेन्यू आइटम्स के लिए हमें एवरेज रेट लेना है. जो भी हमारे सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब जो रेवेन्यू पॉइंट्स होंगे उनके उसके लिए हमें एवरेज रेट लेना है. फिर फिक्स असेट्स के लिए हमें लेना है
परचेज रेट, परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर ओपनिंग स्टॉक को हमें लेना है ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक को हमें लेना है क्लोजिंग रेट। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि एवरेज रेट पेपर में दिया नहीं था, तो अगर एवरेज रेट पेपर में दिया नहीं होगा तो हमें क्या करना है, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमें एवरेज रेट मिल जाएगा। तो काफ़ी इजी रूल्स है। करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को हमें वैल्यू करना है क्लोजिंग रेट के साथ, मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज जितने भी डॉलर दिए उसको उसके क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्टेटमेंट नंबर 1 जो मैंने अभी डिस्कस किया था कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिक्स मिल जाएंगे। फिर रेवेन्यू आइटम्स के लिए हमें एवरेज रेट लेना है, फिक्स असेट्स के लिए हमें परचेज प्राइस लेना है, और ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट। यही थे बेसिक्स रिलेटेड टू योर चैप्टर ऑफ फॉरेन ब्रांच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनका भी रिविजन हो जाए बेसिक्स से रिलेटेड ऑफ फॉरेन ब्रांच। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ सो दैट आपके बेसिक्स 5-5, 6-6 मिनट्स में रिवाइज हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। थैंक यू।